और उसके साथ समाज के एक एक आदमी ने मिलकर के आज जो ये जंतर मंतर पर श्रद्धांजलि दी गई है अपने बेटे को बच्चे को, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मिलजुल करके जो प्रस्ताव पारित किए गए, जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जरा प्रस्ताव पास करने में इधर अपनी भागीदारी कर लें। जो लोग खड़े हैं वो भी जरा दो मिनट के लिए बैठ जाएं। ये मांग पत्र प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, कृपया आपका भी इसमें अनुमोदन चाहिए। आप लोग अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया करके जरा इधर डाइवर्ट हो जाएं और अपना इसमें समर्थन दें। ये जो मांग पत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूँ टेलीविजन लोगों के सामने, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार 7 ब्लॉक नई दिल्ली, महोदय भारत में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ हो रहे निरंतर अत्याचारों को रोकने हेतु एवं दोषी लोगों को सजा दिलाकर पीड़ित परिवारों के साथ न्याय कराने हेतु दिल्ली के जंतर मंतर पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज का विरोध प्रदर्शन आज दिनांक 19/8/2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जालौर के अंदर मेघवाल की जघन्य हत्या के विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी सामाजिक धार्मिक सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित कर आपको त्वरित कार्रवाई करने हेतु भेजने का निर्णय लिया गया। नंबर 1, भारत में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अन्याय एवं अत्याचार चरम सीमा पर है, जिसकी ये हाउस घोर निंदा करता है नंबर 2, इन अत्याचारों के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा तुरंत सख्त कदम उठाने की नितांत आवश्यकता की है और इसकी मांग करता है। पिछले दिनों राजस्थान के पाली में मूछ रखने के ऊपर एक अनुसूचित जाति समाज के युवक की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जो राजस्थान राज्य सरकार की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार आचरण को सिद्ध करता है, जिसकी यह हाउस घोर भर्त्सना और निंदा करता है। हाल ही में जालौर के एक स्कूल टीचर द्वारा एक अनुसूचित जाति समाज के बच्चे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई, और राजस्थान राज्य सरकार की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार आचरण को यह सिद्ध करता है, जिसकी यह हाउस घोर निंदा करता है। ऐसे अत्याचार देश में व्यापक स्तर पर बेखौफ होकर सामान्य जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति समाज के साथ किए जा रहे हैं, जो देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, जो राष्ट्र हित के लिए एक चुनौती है, जिसकी हाउस घोर निंदा करता है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज मांग करता है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। जालौर में हुई जघन्य हत्या के दोषी छेल सिंह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई निम्न प्रकार की जाए। छेल सिंह के विरुद्ध SC/ST/1989 आतंकवादी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर उसे फांसी दी जाए। सरस्वती विद्यालय सुराना जालौर की स्थायी रूप से मान्यता रद्द की जाए। परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य दी जाए। पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। 23 दिन तक हत्या का मुकदमा दर्ज न कर दबाव डालकर समझौता कराने, साक्ष्य मिटाने वाले दोषी पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति समाज सामूहिक रूप से उन सभी राज्य सरकारों जिनके राज्यों में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ सामान्य जाति के लोगों द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसे सभी राज्य सरकारों की हमारे समाज घोर भर्त्सना अनुरोध करता है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज केंद्र सरकार से मांग भी करता है कि ऐसी राज्य सरकारें जो संविधान का अनुपालन करते हुए अपने राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को संरक्षित करने तथा उनके साथ आए दिन अत्याचारों को रोकने में विफल हैं, ऐसी राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार स्वयं जिम्मेदारी ले कि भविष्य में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर पर कोई अन्याय ना हो। 16 का प्रस्ताव मीडिया के लोगों को फोकस करें। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को संरक्षित करने में अगर केंद्र सरकार विफल होती है तो भारत का अनुसूचित जाति जनजाति समाज संयुक्त रूप से देशव्यापी आंदोलन करेगा, जिसके लिए सभी राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम।